जिस दिन मेरा टाइम आएगा ना उस दिन आपको ये सारा दिन एक एक दिन और एक एक जेसीबी और एक एक काम पकड़ा हुआ आप खून के आंसू रोगे कि मैंने उस दिन ये काम किया, चाहे 10 साल बाद आए हो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं आज आपको खुली सभा सबके सामने कह रहा हूँ मैं छोड़ूंगा नहीं, आप खून के आंसू रोगे कि मैंने 7 साल पहले ये गलत किया कि आज मेरे साथ मैं वो आपके साथ में करके बताऊँ। जो आप 8 महीने से मेरे साथ में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के विकास कार्य को रोक के कर रहे हो ना, मैं समझ लो कि मैं जय का दोस्त हूँ और इसका ब्याज समेत आपको आपको अकेले को दूंगा वापस। कोई दिक्कत नहीं रोक दो सारे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे बाकी में जो होगा हो जाएगा पर आपके बाकी की भी आए हो राजस्थान में तो आपको यहाँ का मजा चखा के दूंगा। आप हमारे काम भी रोक रहे हो, आप अपने नीचे आग लगा रहे हैं और इस बात को आपके डेल में बैठता है कोई ना कोई पोस्टिंग में ऐसी कोई बात आएगी। ये याद रखना मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के काम रोके ना जितने मेरे को एक एक याद है अभी भी उनसे मैंने तो आपको कोई फोन नहीं किया पर एक एक चीज मेरे तक आती है। आप आपके देर पे बैठे हो और एहसान करा उस आदमी हो ब्याज समय दूंगा आपको, याद रखना जिस दिन मौका मिल गया उस दिन एक ही दिन में पूरी जान निकालनी है। सर आज बैठक लिए अपने अधिकारियों के क्या निर्देश दिए? देखिए जिले में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने बूंदी जिले का विशेष ध्यान निरंतर 4 से 5 सालों से रखा है और शिक्षा से लेकर बिजली से लेकर पानी से लेकर सड़कों से लेकर सिंचाई से लेकर स्वास्थ्य से लेकर हर विभाग के अंदर बड़ा शानदार काम और प्रोजेक्ट्स और सेंक्शन उन्होंने दिए हैं और उन्हीं कामों को क्योंकि रूटीन में भी बहुत अच्छा हमारे ज़िले में काम चल रहा है और काफ़ी काम काफ़ी प्रगति पर हैं, लेकिन क्योंकि चुनावी साल है तो हमारी इच्छा है कि इस 8 से 10 महीने में कम से कम 1.5 साल 2 साल का काम हो जाए तो एक्स्ट्रा बर्डन देने के लिए मैं आज सब अधिकारीगण के साथ हम लोगों ने मीटिंग ली और सब ने आश्वासन किया कि निश्चित रूप से क्योंकि चुनावी साल है और क्योंकि देखिए चुनावी साल में जनता भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है और जनता की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा उतरना ही पूरे सिस्टम की जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है तो जनता भी चाह रही है कि 1 साल में 2 साल के बराबर काम करें तो वो करके देंगे। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट मेडिकल कॉलेज कब तक क्या पूरा होगा? देखिए इस जुलाई में सेशन चालू हो जाएगा और मुझे तो लगता है कॉलेजों में सबसे तेजी से अगर कोई काम चल रहा है तो मेडिकल कॉलेज का ही चल रहा है। पानी सड़क बिजली सभी व्यवस्थाएं सुचारू इसको लेकर आज सभी अधिकारियों की बैठक ली गई है। सबसे बड़ी बात पानी नहीं सूखे 100 साल तक ये मुद्दा रहा। नहीं ये मेरा सपना था जब मैं चुन के आया तो पहले ही साल में 2019 की गर्मियों में क्योंकि हमारा इलाका पथरीला भी है और ढलान में भी है तो जितनी भी बारिश होती है पानी तेजी से बहकर बाहर निकल जाता है तो उसके कारण से पहली गर्मियों में तकरीबन 850-850 टैंकर एक एक दिन के हमारे क्षेत्र में पानी की जरूरत पड़ी। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी और उसी के तहत 2 प्रोजेक्ट हमने शुरू किए। एक तो चंबल परियोजना का हमने PhD के अधिकारियों के साथ में मीटिंग करी और चंबल का प्रोजेक्ट पास कराया पीने का पानी और सिंचाई के लिए तकरीबन 200 करोड़ के आसपास एनीकट और डैम क्योंकि पानी की कमी नहीं है बस उसको व्यवस्थित करने की ज़रूरत है तो 200 करोड़ के आसपास डैम्स और एनीकट्स जो हमने स्वीकृत कराए। मुझे लगता है कि जब ये इतने एनीकट्स और मिनी डैम्स हो जाएंगे उसके बाद में इंडोली नैनवा के अंदर कभी कुआं नहीं सूखेगा। सर वो मेरा सपना मीटिंग देखने में आया है कि विकास कार्य वन विभाग रोड़ा बना हुआ है जैसे उसकी वजह से नहीं वो फॉर्मेलिटीज हैं। देखिए वन विभाग की भी फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको पूरी करनी होती हैं कहीं ना कहीं अगर वो थोड़ा सा और तेजी कर जाएं तो वो कर लेंगे। और डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।